द्वारका द्वार कहे जाने वाला चुरू अपने मौसम के लिए नहीं बल्कि पंडची के पकौड़ों के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ इन जंबो पकौड़ों का स्वाद चखने वालों का हुजूम उमड़ता है। सावन की रिमझिम बारिश के बीच पंडजी के इन गरम गरम पकौड़ों की महक किसी को भी दीवाना बना दे, जिसके चलते यहाँ हर दम इन पकौड़ों के द्वानों की आपको यहाँ भीड़ नजर आएगी। आमतौर पर मिलने वाली पकौड़ी से पंडित जी का यह पकौड़ा साइज में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी बेहद खास है। पिछले 8 सालों से शहर की चुरू जयपुर रोड पर जंबो पकौड़े बनाने वाले विनोद शर्मा बताते हैं कि उनके यहाँ दूर दराज से गरम गरम पकौड़ों पर लहसुन की चटनी का स्वाद चखने शौकीन आते हैं। शहर के अंतिम छोर पर होने के बाद भी पंडित जी के पकौड़ों की दीवानगी लोगों को उन्हें यहाँ खींच ही लाती है। आम पकौड़ों की तुलना में ये बिग पकौड़ा बनाने वाले विनोद शर्मा बताते हैं कि उनके द्वारा पिछले 8 सालों से ये बिग पकौड़ा बनाए जा रहे हैं और इन पकौड़ों के स्वाद के चलते उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। शर्मा बताते हैं कि इन खास पकौड़ों की उन्होंने कहीं रेसिपी सीखी नहीं बल्कि उनके स्वयं के दिमाग की ये उपज है। पंडित जी के पकौड़े के नाम से मशहूर विनोद शर्मा बताते हैं कि एक दो नहीं बल्कि वह 3 तरह की दाल से ये बिग पकौड़े बनाते हैं, जिसमें मोट की दाल, उड़द की दाल और बेसन से यह पकौड़े बनाए जाते हैं। इसमें थोड़े ज्यादा पकौड़े बिकते हैं इनके और पकौड़ों के लिए इंतजार भी करना पड़ता है अपने को, और बहुत ही फेमस है चूरू में ऐसे पकौड़े और कहीं नहीं मिलते हैं। बढ़िया साइज में है पकौड़े, खूब मोटी मोटी साइज में और बढ़िया क्वांटिटी में मिलते हैं। आप भी खाइए यहाँ बैठिए। क्या नाम आपका? पूरन चौधरी, मेडिकल कॉलेज से हैं। 8 साल से इसी बना रहा हूँ और मेरे पकौड़ों की विशेषता ये है कि इसमें कोई भारीपन नहीं होता है और फुल वेजिटेरियन होता है। हर तरह की हरी सब्जियाँ होती हैं, पालक होता है, हरा प्याज होता है, प्याज होता है, आलू होता है, हरी मिर्ची होती है, हरा धनिया होता है, फुल वेजिटेरियन पकौड़े होते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप खाने के बाद इसमें कोई पानी की वगैरह की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है और खाने में बड़ा लाजवाब होता है। इसमें से लहसुन की चटनी डाली जाती है, सॉस डाला जाता है और दही डाला जाता है, उसके बाद ये तैयार होती है। ये वैसे हम दास से पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और हमारी हमारा नाम चले तो सबके मेरे के लिए पहले हमें लोगों की रिक्वायरमेंट, हम समोसे बनाते थे, कचौरी बनाते थे, हमें लोगों की रिक्वायरमेंट ये रहती गर्म आइटम और आइटम के चक्कर में मैंने आइटम चूज किया कि भी लोगों को गर्म लगे। समोसा सुबह बनाते थे, शाम तक 2-4-5 पीस फेंकना पड़ता था, ये आधो आठ बनाओ और आधो आठ लोगों को लाइन लग के देना पड़ता है।